ये देखें व्यूअर्स, ये लहंगा हमारे पास तैयार हो गया है बॉक्स प्लेट्स डाल के, जिसको हमने तैयार किया है। इसके साथ हमने बनानी है ब्लैक कलर की शर्ट। ये हमारे पास कपड़ा है, 10 ईयर बेबी का है, तो इसलिए हमें ये इसकी इंचेस वगैरह है, ये इसका साइज़ है, इसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। इसमें हमने गले की गहराई 3x3 की करनी है और 17 इंचेस की इसकी ये चौड़ाई है, और लेंथ जो है, लेंथ हम इसकी शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ये लहंगे के साथ की शर्ट है, और 15 इंच की इसकी फिटिंग वाली जगह की चौड़ाई है, और 21 इंच की लेंथ है बाजुओं की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ब्लैक कलर का शिफॉन का कपड़ा है, ये इजीली आपको बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगा। हम इसको फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से हमारे पास, इसको हम इसको फोल्ड करेंगे यूँ। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने फोल्ड कर लिए, ये अब हमारे पास 4 लेयर्स हो गई हैं, 1, 2, 1, 2, 3 and 4। ये हमारे पास 4 लेयर्स हो गई हैं। अब इसका हम आर्म होल और नेक होल कट कर लेते हैं। हमें नेक होल 3x3 का चाहिए। देखें व्यूअर्स, हम इसको इस तरह निशान लगा देंगे। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे। तक 6 इंचेस तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसको यहां से मिला दूंगी। अब मैं इसको गोलाई शेप दूंगी, गोल शेप। आई होप आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैं इसकी आर्म होल की कटिंग करूंगी। तक हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है।
ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसकी फिटिंग वाली जगह से कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये टॉप नुमा शर्ट होगी तो इसलिए हमें इसके इसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं करना। देखेंगे देखें व्यूअर्स, हमारी कटिंग ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके जो घेरा है उसको फ्रंट वाली साइड से छोटा करना है और पीछे से लंबा करना है। इसकी कटिंग अब देख लें, ये यहाँ से जॉइंट है कपड़ा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे इस तरह से। हमने इसका हाफ लिया, ये कपड़ा यहाँ से जॉइंट है, इसकी कटिंग हमने अभी नहीं की। तो अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, इस फुल कपड़े को इस तरह से शोल्डर से पकड़ेंगे और यूँ आपस में मिलाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये 4 पैनल नहीं है, ये 2 पैनल्स हैं। इसको हम पकड़ेंगे, आपस में जॉइंट करेंगे और इसकी दूसरी साइड ये है, यहाँ से हम इनको आपस में मिलाएंगे। और ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हम इनको मिलाएंगे आपस में। हाफ पहले इस तरह हाफ करेंगे, फिर इस तरह से इसका हाफ लेंगे। आपस में मिलाने के बाद अब हमारे पास ये शर्ट की आस्तीन आ गई है। तो हमने क्या करना है कि फ्रंट साइड हमने शॉर्ट रखनी है, बैक साइड लॉन्ग रखनी है, तो इसलिए हम हल्का सा कर्व यहाँ से यूँ देंगे। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्का सा कर्व, ताकि ज़्यादा मालूम भी ना हो और खूबसूरत भी लगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसके निशान लगा दिए। अब मैं इसकी 1 पैनल की, ये देखें, इसकी 1 साइड की मैं कटिंग करूँगी निशान लगाने के बाद। ये देखें व्यूअर्स, ये बैक साइड हमारे पास बन गई है इस तरह से राउंड शेप में, और जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड हमारे पास इस तरह से ए लाइन शेप में। ये जब हम आपस में मिलाएंगे, अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये बाजुओं के लिए कपड़ा है, हमें इसकी लंबाई चाहिए। इस कपड़े में मैंने दोहरा फोल्ड किया, अब हम बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। Thank you.
बाजुओं के आगे हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग इस तरह से करेंगे कि ये कपड़ा है, इसको हम, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस बचा है, इसको हम इस तरह से चुनट्स डालेंगे। चुनट्स डालने के बाद हम बाजुओं के आगे लगाएंगे। मैं आपको चुनट्स डाल के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैं बनाऊंगी प्लेट्स। देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत सी चुनट्स तैयार हो गई हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब इन चुनट वाले कपड़े को बाजू के आगे हमने अटैच करना है। ये बाजू के आगे मैं इस तरह से अटैच करना है। हमने इसके वो पाइपिंग कर ली है गले पे। अब हम इसको उल्टा कर यहाँ तुरपाई कर लेंगे। अब हम बाजू लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके बाजू लगा लिए। देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं इसके बाजू। इसके हम यहाँ पर पीको करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि बाजुओं को सिलाई लगाएंगे और फिटिंग वाली जगह से फुल एंड तक सियेंगे। इसके हम चौक नहीं रखेंगे क्योंकि ये स्कर्ट टाइप स्कर्ट के ऊपर आएगी तो खूबसूरत लगेगी। शॉर्ट शर्ट हमें यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करती हूँ।
देखिए व्यूअर्स, हमारे पास एक कंप्लीट शर्ट तैयार हो गई है। बस इसकी यहाँ नीचे बॉटम पे पीको होगी और बाजुओं पर पीको होगी। और अब हमने इसके गले पर इस जगह पे एक टाई बनाकर लगानी है। हमारे पास एक पीस बचा है, एक्स्ट्रा पीस उस स्कर्ट के साथ का। इसकी अब मैं आपको टाई बनाना सिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। इसमें से टाई हमने जितनी बनानी है उतना पीस हम फोल्ड करके कट कर लेंगे। मैंने इतनी बनानी है तो मैं इतना कट करूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैं इतना इसको कट कर लूँगी। अब इसकी इस साइड पर सिलाई लगाऊंगी। सॉरी, पहले इस साइड पर सिलाई लगाऊंगी और दरमियान में थोड़ा सा एरिया छोड़ दूंगी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको इस जगह पे सिलाई लगा दी है। ये इतना सा एरिया मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूँ। अब मैं इसको इस तरह से करके सिलाई लगाऊंगी। इसकी लेंथ मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। मैं इस जगह सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से हल्की सी गुलाई करेंगे ताकि कॉर्नर्स खड़े हुए बुरे ना लगें। बिल्कुल माइनर सी हमने इसकी शेप देनी है गुलाई की। मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको पलटाऊंगी। देखेंगे तैयार है हमारे पास। हमने इसको सुई धागे से सिलाई करूँ। देखें व्यूअर्स, अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इसको हाफ करके इस तरह से इसको टांका लगाएंगे। ये इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा और हमारे पास एक खूबसूरत सी बो तैयार हो जाएगी। देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास तैयार होगी। तो जो बाकी का स्पेयर कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके यहाँ से कटिंग करेंगे। इसको सिलाई लगाऊंगी सारी तरफ से, थोड़ा सा किनारा छोड़ दूंगी ताकि मैं इसको पलटा सकूं। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब मैंने इसको पलटाने
इसकी नोक को हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसका सेंटर करके इसे टांका लगाएंगे। इसको हम बो के ऊपर इस तरह से रख के, इसको हम बो के ऊपर इस तरह से रख के पलटाएंगे ताकि हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी लुक आ जाए टाई की। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे और साथ में अटैच कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी टाई हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर स्टोन लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोई पर्ल लगा सकते हैं। हम इसको शर्ट पे अटैच करते हैं। इसको भी सिलाई लगाने है जो जगह हमने छोड़ी थी